So, पूरी गीता तीन पदों की व्याख्या है. पहले से जो छठे अध्याय तक है वह तुम पद की व्याख्या है. सातवें अध्याय से बारहवां जो अध्याय है वह तद पद की व्याख्या है. तेरहवां, चौदहवां और जो पंद्रहवां श्लोक है वो इदम जगत की व्याख्या है. और जो तीन अध्याय बचते हैं उसको बोलते हैं परिशिष्ट. सो प्रथम अध्याय से कल मैंने आपको दिखाया कि जो समस्या है अर्जुन की वो ये है कि मैं क्या करूं. और कल मैं आपसे इसको कह रहा था, यह एक भ्रमित व्यक्ति का लक्षण है कि उसको अपने ज्ञान पर विश्वास भी है, लेकिन जब वह युद्ध क्षेत्र में जाता है तो अपने ही ज्ञान पर क्या करता है, शंका करता है. मतलब ना तो उसको धर्म पता है, ना तो अधर्म पता है, ना पुण्य पता है, ना पाप पता है, लेकिन बातें ऐसी करता है कि मानो ये सब चीजें वो क्या करता है, जानता है. प्रज्ञा वादांश्च भाष्य से. एक अज्ञानी ऐसा होता है जिसको कुछ नहीं पता तो वो चुप है, लेकिन एक अज्ञानी की दूसरी कोटि है जो बाह्य रूप से ऐसा प्रदर्शित करता है कि उसको सब कुछ पता है, लेकिन अंदर से वो व्यक्ति अपने आप को जानता है कि मुझे वास्तव में कोई सही चीज पता नहीं है. तो कल मैंने इसलिए कहा अर्जुन एक कंफ्यूज पर्सनालिटी के रूप में उभरता है, और इसका जो सबसे अच्छा पक्ष निकल के आया वो ये है कि यदि व्यक्ति बुद्धिमान होवे और अज्ञानी होवे, है ना, ये इसको ध्यान से पता नहीं आपने देखा कि नहीं. एक तो अर्जुन बहुत प्रोफेशनल है, जैसे आपने सुना धनुर्विद्या में वो बहुत आगे है, तो प्रोफेशनल में तो प्रोफेशनलिज्म में नंबर एक है, लेकिन उसके साथ अज्ञानी भी है. ऐसे व्यक्ति के विषाद में जिज्ञासा प्रकट हो सकती है. जो संभावना है वो है विचार की. हमारे और आपके अज्ञान में तो ये है कि हमें तो विचार भी समझ में नहीं आते. लेकिन अर्जुन के साथ जो सबसे अच्छी बात रही, उसके सामने कृष्ण जैसा व्यक्ति उसके सामने है. और यहाँ उसने पहले अध्याय में खूब प्रवचन किया और दूसरे अध्याय से भगवान ने बोलना प्रारंभ किया, ग्यारहवें बारहवें श्लोक से. तो इसलिए पहला अध्याय का नाम रखा गया अर्जुन विषाद योग. दूसरे अध्याय में 30 श्लोकों तक भगवान ने कुछ बात नहीं की, सिर्फ ज्ञान की बात की है. उसके बाद नहीं समझ में आया तो देह संबंधी भी ज्ञान दिया है, जीव संबंधी भी ज्ञान दिया है, वर्ण संबंधी भी ज्ञान दिया है, स्वधर्म संबंध भी ज्ञान दिया है. एक ही समस्या के जो इलाज है वो तो एक ही है, वो है ज्ञान. लेकिन तात्कालिक हल करने के लिए कई प्रकार के हल दिए जाते हैं, भगवान ने वो भी दिए हैं. और आखिरी में मैंने आपको दिखाया था, उसके बाद अर्जुन ने जीवन मुक्त का लक्षण पूछा है. इसी बीच में भगवान ने कहा मैंने सांख्य बुद्धि तो तुमको दे दी, योग बुद्धि अब सुन. तो अध्याय दो में ही भगवान ने क्या दिया है, योग बुद्धि. यही योग बुद्धि क्रम से अध्याय तीन में आ गई, और इसीलिए अध्याय तीन का नाम क्या पड़ा, कर्मयोग. इस कर्मयोग की व्याख्या करते जो चौथा अध्याय आया वो क्या है, ज्ञान कर्म संन्यास. यही है ना, ज्ञान कर्म. तो एक सीधी सी बात थी, साधारणतः व्यक्ति को लगता है कि मैं कर्मों को छोड़ दूं, आश्रम भाग जाऊं, साधु बन जाऊं, ये कर दूं, वो कर दूं, बट समस्या का ये हल है नहीं, क्योंकि कर्म का संन्यास संभव नहीं है जैसा हम और आप समझते हैं. भगवान ने सबसे पहले भूमिका बांधी है कि ज्ञान से ही कर्मों का संन्यास हो सकता है, इसलिए चौथे अध्याय का नाम क्या पड़ गया, ज्ञान कर्म संन्यास. और पांचवें अध्याय का नाम क्या पड़ा, अब संन्यास दो तरीके के हैं. देखो जी,
एक तो ये है कि व्यक्ति ज्ञान में इतना प्रबल है कि उसके आगे अब यह कर्म मायने नहीं रखते। दूसरा संन्यास ये है कि भावनाओं के आधार पर भी कुछ चीजें छोड़ी जाती हैं, लेकिन भगवान का मानना है असली संन्यास तो ज्ञान के जरिए से ही हो सकता है। ये दो विषयों का उल्लेख पांचवें अध्याय में और चौथे अध्याय में जम के हो। कल भी मैंने बोला इसी में अवतारवाद का भी प्रश्न आ गया, ये भी सॉल्व किया। और कल जो मैंने चर्चा समाप्त की कि त्वम पद का, त्वम पद मतलब समझना, त्वम पद मतलब जीव, जिसकी ओर सीधा निर्देश किया जा सके वो कौन है? जीव। जिसकी ओर प्रत्यक्षतः निर्देश नहीं किया जा सकता, परोक्ष है, इंद्रिय के जरिए से जाना नहीं जा सकता, वो क्या है? परोक्ष। इसलिए वो कौन हो गया? हो गया तत्। त्वम पद के लिए, जीव के लिए सबसे जो चरम साधना है वो है छठा अध्याय, उसको कहा गया ध्यान योग। अर्जुन, यदि ज्ञान हो जाए, सन्यास हो जाए, तो श्रवण के बाद ध्यान की महती आवश्यकता है। देखो जी, और पूरा जो छठा अध्याय है, जहाँ तक मैं कल आपको दिखा सका, पहले तो भगवान ने कोटि बांट दी, आरुरुक्षः मुने योगम, ये श्लोक देखिएगा, ये साधना के लिए जान है। तीसरा श्लोक आरुरुक्षोः मुने योगम कर्मम कारणम उच्यते। आरुक्षु व्यक्ति के लिए, जो अभी चढ़ा हुआ नहीं है, अभी साधना पथ पर आया भी ठीक से नहीं है, लेकिन उसके मन में इच्छा है जरूर, बोले उसके लिए साधना क्या है? बोले प्रवृत्ति हो गया, कर्म कारणम उच्यते। तो प्रवृत्ति ही व्यक्ति को निवृत्ति तक ले जाती है। वही आरुरुक्षु ऐसी प्रवृत्तियां करता है कि उसका अंतःकरण शुद्ध हो गया। अब उसका नाम क्या पड़ गया? योगारूढ़स्य। उस व्यक्ति का नाम क्या पड़ा? बोले योगारूढ़। बोले उसके लिए साधना क्या बची? बोले शमः कारणम उच्यते। जो निवृत्ति है अब उसके जीवन में आती है। देखो, तो देखा देखी नहीं करना है, हमको अच्छी लगती है इसलिए नहीं, हमारी साधना में स्थिति क्या है इसको देख कर क्या करना है? प्रवृत्ति। वरना वह निवृत्ति भी व्यक्ति के लिए दुखदायी है। चित्त एकांत लायक है नहीं, और मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, एकांत में बैठने पर व्यक्ति डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन का शिकार भी होता है। जो गलत विचार है वो कब आएंगे? एकांत में ही। अच्छा, जो सोचने वाले लोग हैं वो अच्छे विचार कब आते हैं? देखो, दोनों ही एकांत है। एकांत प्रभाव तब डालता है जब आपकी स्थिति क्या है। स्थिति किसकी? बोले मन की। आपकी साधना की स्थिति क्या है ये देखकर निर्णय लेना चाहिए। ध्यान रखें, नहीं है तो आप एकांत में मत रहें। तो सावधानी से इस चीज को देखना, आप छोड़ने की कोशिश नहीं करना। अच्छा, अब बोले उद्धार की बात कोई ना गुरु करेगा ना कोई ईश्वर करेगा। देखो बहुत अच्छी सच्चाई, उद्धरेद आत्मना आत्मानम, आत्मना आत्मानम, स्वयं का उद्धार स्वयं को ही करना है। कोई दिशा निर्देश साधन पक्ष ये बता सकता है? करना तो खुद को ही पड़ेगा। और अर्जुन, जीने का एक तरीका सीखो, आत्मैव आत्मनः बंधु। ये बहुत साधक के लिए बहुत बड़ी चीज। इतना इन्फियरिटी कॉम्प्लेक्स है कभी कभी व्यक्ति को, और अपने मन को इतना वो कोसता है, आपसे बताऊं साधक, तो मन उसके साथ क्या मित्रता करेगा? 24 घंटे रहेगा कौन? व्यक्ति नहीं, व्यक्ति तो चला गया। हमने अपने मन को इतनी गालियां दे रखी हैं और उसको बोल रखा है एकाग्र नहीं है, गंदा है, भोगी है, कामी है, धड़ाधम, अब वो अकेले में आपसे क्या कहेगा?
इसलिए कहा गया आत्मैव आत्मनः बंधुः। देखो हम ही अपने आप के सबसे अच्छे मित्र हैं, हाँ जी, और हम ही अपने आप के सबसे बड़े दुश्मन। ये बहुत ही सुंदर दर्शन से भरी पंक्ति है, आत्मैव आत्मनः बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। और यहाँ फिर ध्यान के लिए वह व्यक्ति कैसे आरूढ़ हो गए, तो देश देखे, काल देखे, परिस्थिति देखे, अपना भोजन देखे, अपना आहार देखे, अपना विहार देखे, ये सब बातें भगवान ने अध्याय 6 में बोली हैं। यथा दीपो निवातस्थो, चित्त की स्थिति एक ऐसी हो जाए जैसे जलता हुआ दीपक, ऐसा मन एकाग्र होना चाहिए। योगिनो यत चित्तस्य, ऐसा चित्त बन जाए अर्जुन, तब श्रवण हो सकता है अच्छे से। बहुत सारी और सब बातें की, इससे बड़ा कोई अर्जुन यम लब्ध्वा चा परम लाभम, इससे बड़ा कोई लाभ नहीं है यदि चित्त को ये मिल जाए। मतलब चित्त की सबसे बड़ी उपलब्धि है पवित्रता, एकाग्रता, ये दो संपत्ति आ गई चित्त के पास में, तो आप समझना बड़े से बड़े काम कर सकते हैं। लेकिन आपसे बताऊं इतनी जल्दी ये मिलती नहीं है। पवित्रता तुरंत ही अपवित्रता में चली गई और एकाग्रता तो है ही नहीं। खैर ये व्यवहार करते हुए ये उपलब्धि बनी रहे, कौन सी, पवित्रता चाहिए और एकाग्रता। बोले एकाग्रता हो ही नहीं सकती, अब लो बोले व्यवहार करेंगे तो चित्त अनेकाग्र होएगा। अरे ऐसा नहीं भाई, कामी ही नारी प्यारी जिमी लोभी के प्रिय दाम तिमी रघुनाथ निरंतर। ये उदाहरण देखना, लोभी लोभ कर रहा है, उसका पूरा ध्यान किस पे है, लोभ पर। कामी सब दूर जा रहा है, उसका ध्यान कहाँ है, काम पर। तो उस भक्त की इतनी अच्छी प्रार्थना है, मैं भी सब कुछ करते हुए भी आप मेरे चित्त में क्यों नहीं आ सकते, ये संभव है। तो ये बहुत ही सुंदर है, आप देखिएगा जितना। और फिर 30वां श्लोक इसका बहुत ही सुंदर है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मई पश्यति। देखो बहुत ही सुंदर है, पहला है सर्वम पश्यति, सबको देख रहा है और सब में मुझको देख रहा है। यही गीता का बार बार ऐसा ही एक मत आता है, सब में मुझको देख रहा है। लेकिन ये पलट जाना चाहिए, सर्वम च मई पश्यति। अभी तो अज्ञान शेष है, फिर सूर्य जगत को वह स्वयं के अंदर देखता है। देखो ये 11वां अध्याय आता है, यही 10वें अध्याय का सार था। ऐसा करते हुए भैया ये 6ठा अध्याय, और एक बहुत ही सुंदर प्रश्न है, चंचलम ही मनः कृष्णा। ये लोगों का बड़ा पेट क्वेश्चन है, मेरा मन चंचल है। भगवान बोलते हैं अब उसका उत्तर सुनो। जनरली व्यक्ति अपने मन को बताने में इतना टाइम लगाता है, ये उसका समाधान नहीं सुनना चाहता। समाधान दो ही हैं, अभ्यास वैराग्येण कौन्तेय च निग्रह्यते। पकड़ा जाता है महाराज, सिर्फ दो चीजें हों उसके पास, एक तो अभ्यास। ध्यान रखना अभ्यास की कोई सीमा नहीं होती। संतों के जीवन को देखें तो जो ग्रंथ शुरुआत से पढ़ना प्रारंभ किया अंतिम तक वही ग्रंथ पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं, ये अभ्यास है। शाब्दिक ज्ञान जरूरी नहीं है, और ना होवे तो भी चलेगा। उस शब्द के अर्थ का स्फुरण चित्त में होना चाहिए, तो बात बनी। अब वो नहीं हुआ, शाब्दिक हो गया, और महात्मा लोग तो ये भी बोलते हैं शब्द का ज्ञान भी नहीं है, शब्दाभास है। शब्दाभास है कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सब समझ में, वो भी नहीं आया ठीक से। देखो जी, इसलिए दो चीजें, और वैराग्येण,
वैराग्य का अर्थ है अपना जो टेस्ट है वो थोड़ा ऊंचा करें। वही छोटा छोटा टेस्ट, वही छोटी छोटी चीजें, वही छोटा थोड़ा अपने आप को ऊंचा बनाए। मतलब मैं तो उसको आपको कहता हूं बी चूजी। सब दूर जाने की जरूरत नहीं, सब दूर खाना खाने की आवश्यकता नहीं। जो आपके स्टैंडर्ड के लायक है, जो आपके चित्त को और सूक्ष्म बनाए वो खाया जाए, सब ठीक है। तो फिर तो जनरल क्राउड हो गई, हो गया। अच्छा, अब छठे अध्याय से ये बात अब आ गई, ये तुम पद यहाँ पे समाप्त होता है। देखो जी, अब कौन सा आया, तत्पद। ध्यान से सुनना, तत्पद के लिए जो पहला ही श्लोक है बोलते हैं मैं तुमको गुह्यतम ज्ञान देने जा रहा हूं। भैया नीचे कुछ जल रहा हो, लाइट तो बंद कर दो। देखना, मैया सक्त मनाह पार्थ, ये श्लोक पे काफी समय लिया गया। वरा है तो आपके पास नोट्स तो देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। मई आसक्ता मनाह पार्थ मद आश्रय अशंसय माम, मुझे सुनो। ये सुनने के पहले विशेषता होनी चाहिए। कैसा ज्ञान है, बोले बड़ा गुह्य ज्ञान देने जा रहा हूं। अब क्या है गुह्य ज्ञान, तो पहली चीज है अर्जुन की जो बड़ी सुंदर चीज है। बोलते हैं अर्जुन मैं जगत का कारण हूं। अब एक बात को आप दिमाग में बैठा लेना, जब तक तुम पद की बात हुई तब तक ईश्वर नाम की किसी की बात नहीं की गई, ठीक है। लेकिन जैसे ही तद पद की बात हुई, तद मतलब ईश्वर, और ईश्वर तभी है जब सृष्टि होवे, आखिर शासन किस पे करेगा, और शासन न करे तो उसी का नाम ब्रह्म है। शासन करने की उपाधि से, सृष्टि की उपाधि से उसी का नाम क्या पड़ गया, ईश्वर। कान को बांध कर अच्छे से सुन लेना ही जी, ये जो बात बार आप बोलते हो आत्मा परमात्मा भगवान, उसी का नाम ब्रह्म और आत्मा है, ठीक है। जब वही सृष्टि के संदर्भ से कहा गया तो उसी का नाम क्या पड़ गया, ईश्वर। इसका मतलब तत्पद है तो सृष्टि भी, ठीक है। तत्पद की व्याख्या तभी हो सकती है जब सृष्टि होवे, तो इसलिए अपना पहला भगवान इंट्रोडक्शन देते हैं, मैं दोनों प्रकृतियों का कारण हूं। ये मूल है, इसको पकड़ के रखना। मैं दोनों प्रकृति का, कौन सी प्रकृति, परा प्रकृति और अपरा। बोले अर्जुन सृष्टि की रचना इन दोनों ने की, किन्हों ने की, परा ने की और अपरा ने की। ध्यान रखना इन प्रकृतियों का भी कारण मैं हूं, मैं सीधा कारण नहीं हूं। इस सृष्टि का कारण कौन हो गई, परा और अपरा, और परा और अपरा का कारण कौन है, मैं। ध्यान से समझना, मैं ऐसा कारण नहीं हूं। लोग जो सोचें कि जैसे धनी के पास धन, धनी के पास धन, बोले धन का कारण कौन है, बोले धनी है। यहां ये शब्द आपको बार बार बोला गया, अबिना भाव के रूप में कारण है, अच्छे से समझिएगा। ये अबिना भाव से मैं जगत के, मैं परा और अपरा प्रकृति का कारण हूं। अबिना भाव का अर्थ बार बार कहा गया, मेरे बिना इनका कोई अस्तित्व नहीं है, मैं इनके बिना हूं, ये मेरे बिना नहीं है। इसको बोलते हैं अबिना भाव, ये मेरे बिना नहीं रह सकती, कौन, प्रकृति। लेकिन मैं प्रकृति के बिना रह सकता हूं, इसको बोलते हैं अबिना भाव। मैं इन दोनों सृष्टि का कारण हूं।
तो सातवें अध्याय का जो मूल सेंटर थॉट है वो यही है ईश्वर के बारे में कि इस पूरी जो सृष्टि है उसका कारण कौन है, वह मैं हूं। अब इसमें जरा और देखिए, यहीं पे भगवान ने चौदहवां श्लोक बोला है, जरा देखते जाइए क्या है। चौदह इला यहां त्रिभिर गुणई मयई ही भावई ही ए भी सर्वमिदम जगत। यह जगत कैसा है? त्रिगुणात्मक।